नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग रेलवे ALP टेक्नीशियन और NTPC में अब तक नए पैटर्न पर आधारित TCS द्वारा पूछा गया सभी प्रश्नों को सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज स्टडी कर रहे हैं। इससे आपकी तैयारी को सटीक डायरेक्शन और परीक्षा में बेहतर लाभ मिलेगा। आज हम लोग साइंस सीरीज में फिजिक्स का क्लास 11 यानी कि क्लास 11 जो है वो वीडियो देखेंगे और फिजिक्स का आखिरी वीडियो देखेंगे, यानी कि फिजिक्स से अब तक पूछा गया सभी प्रश्न समाप्त हो जाएगा। जो पीछे का वीडियो नहीं देखें वो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। इससे आपको पता चलेगा कि किस टाइप के प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है, और किस टाइप के आपको प्रश्न पढ़ने की जरूरत है, किस पे ज़्यादा फोकस करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि 1 वाट बराबर क्या होता है। तो 1 वाट बराबर क्या होता है, 1 जूल प्रति सेकेंड होता है ना, 1 जूल प्रति सेकेंड होता है। 1 वाट बराबर यानी कि 1 किलो वाट अगर पूछे कि 1 किलो वाट घंटा बराबर कितना होता है, तो 3.6 × 10⁶ जूल होता है। ये भी ध्यान रखना है, ठीक है, ये याद रखना है। 1 किलो वाट घंटा बराबर 3.6 × 10⁶ जूल होता है। नेक्स्ट है कि 1 नैनोमीटर क्या है। तो 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है, 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁹ मीटर होगा, नहीं यहाँ क्या होगा, 10⁻⁹ मीटर होगा, ठीक है, ये याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर मिस्टेक है, −9 मीटर होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है कि विद्युत प्रवाह की अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई है। तो विद्युत प्रवाह की अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई क्या है, तो वो है एम्पियर, है ना, इसका करेक्ट आंसर है एम्पियर। नेक्स्ट है शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है, तो शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है, वाट कहा जाता है ना, पावर की इकाई क्या है, वाट है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा के इकाई के समान है। तो ऊर्जा के इकाई के समान कौन सा है, तो वो कौन हो सकता है, कार्य है ना, कार्य और ऊर्जा दोनों का SI मात्रक क्या होता है, जूल होता है। नेक्स्ट है कि शक्ति का सूत्र है, तो शक्ति का सूत्र क्या है, कार्य बटे समय है ना, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अदिश राशि है, तो इसमें से अदिश राशि कौन सा है, तो द्रव्यमान एक अदिश राशि है, बाकी संवेग बल और वेग ये सब क्या है, सदिश राशि है। नेक्स्ट है कि एक स्वतंत्र रूप से निलंबित चुंबक हमेशा डैश दिशा में संरक्षित होता है, तो हमेशा किस दिशा में, चुंबकीय जो होता है निलंबित चुंबक हमेशा किस दिशा में संचरित होता है, तो ये उत्तर दक्षिण दिशा में होता है। नेक्स्ट है कि रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो रॉकेट जो है ये किसके, तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट हमेशा होते रहता है। नेक्स्ट है भारत सरकार के दूरसंचार विभाग ने अधिकतम SAR यानी SAR मूल्य के रूप में -W प्रति KG वाले मोबाइल हैंडसेट के निर्माण की अनुमति दी है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1.6, ठीक है। फिर समझिए, भारत सरकार के दूरसंचार विभाग ने अधिकतम SAR मूल्य के रूप में 1.6 W प्रति KG वाले मोबाइल हैंडसेट के निर्माण की अनुमति दी है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग सौर सेल में अर्धचालक के रूप में सबसे अधिक किया जाता है, तो किसका उपयोग सौर सेल में अर्धचालक के रूप में सबसे अधिक किया जाता है, तो वो क्या होता है, है ना, इसका करेक्ट आंसर है GaAs, है ना, GaAs इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि वे पदार्थ जिनके माध्यम से वस्तुओं को देखा जा सकता है लेकिन अस्पष्ट रूप से नहीं, है ना, वो पदार्थ कहलाते हैं, तो वो पदार्थ कैसा कहलाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है पारभासी पदार्थ कहलाता है, ठीक है। एक बार फिर समझिए कि वे पदार्थ जिनके माध्यम से वस्तुओं को देखा जा सकता है लेकिन अस्पष्ट रूप से नहीं, वो पारभासी पदार्थ कहलाते हैं, है ना, पारभासी पदार्थ कहलाते हैं। नेक्स्ट है कि आधुनिक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो आधुनिक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो गैलीली को कहा जाता है ना, गैलीली को आधुनिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है कि किसी गियर के पिच सर्कल और दांतों यानी टूथ के निचले हिस्से के बीच की दूरी है, तो वो क्या है, ठीक है, फिर समझिए, किसी गियर के पिच सर्कल और दांतों के निचले हिस्से के बीच की दूरी है, तो वो क्या है, तो वो डेंडेडम कहलाता है ना, इसका करेक्ट आंसर है डेंडेडम। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है, तो तृतीय श्रेणी के
उत्तोलक का उदाहरण कौन सा है? तो बर्फ उठाने की चिमटी है ना, आइस टोंग है ना, बर्फ उठाने की चिमटी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित रहता है? तो नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित कौन रहता है? परमाणु क्रमांक, द्रव्यमान संख्या एवं ऊर्जा, जो कि नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित रहता है, परमाणु क्रमांक, द्रव्यमान संख्या एवं ऊर्जा। नेक्स्ट है, एक पिंड एक समान कोणीय गति से एक वृत्तीय मार्ग पर गति कर रहा है, यदि वृत्त की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो इसका अभिकेंद्रीय त्वरण कितना हो जाएगा? यानी वृत्त वृत्त की जो है वो अलग त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो इसका अभिकेंद्रीय त्वरण कितना हो जाएगा? तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है कि प्रारंभिक अभिकेंद्रीय त्वरण बराबर क्या होता है, अभी है ना, अभिकेंद्रीय त्वरण बराबर होता है डब्लू स्क्वायर आर। ठीक है, तो इसमें बोला कि वृत्त की त्रिज्या दोगुनी, ये त्रिज्या दोगुनी हो जाएगी तो क्या होगा, अभिकेंद्रीय त्वरण भी दोगुना हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, है ना, ऑप्शन नंबर बी दोगुना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर दोगुना हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि अदिश राशि है? तो कौन सी भौतिक राशि अदिश राशि है? तो इसमें से विद्युत धारा जो है अदिश राशि है, बाकी विद्युत क्षेत्र, आघूर्ण, आवेग ये सब क्या है, सदिश राशि है। तो इसका करेक्ट आंसर है, क्या पूछा, भौतिक राशि कौन है इसमें, अदिश राशि है, तो विद्युत धारा ये क्या, एक अदिश राशि है। नेक्स्ट है कि अधिक डैश वाली वस्तु का जड़त्व अधिक होता है ना, तो किसका, तो अधिक डैश वाली वस्तु का जड़त्व अधिक होता है, तो होता है क्या, अधिक द्रव्यमान वाली वस्तु का जड़त्व अधिक होगा। नेक्स्ट है कि ऋणात्मक त्वरण निम्न में से किसकी दिशा के विपरीत होता है? तो ऋणात्मक जो त्वरण है किसकी दिशा के विपरीत होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है वेग है ना, दिशा के विपरीत होता है ऋणात्मक त्वरण। नेक्स्ट है, यदि कोई पिंड त्रिज्या आर के वृत्ताकार पथ का एक चक्कर लगाने में टी सेकेंड लेता है तो वेग भी इस प्रकार दिया जाता है ना, क्या क्वेश्चन कि यदि कोई पिंड त्रिज्या आर के वृत्ताकार पथ का एक चक्कर लगाने में टी सेकेंड लेता है तो वेग यानी कि भी इस प्रकार दिया जाता है, तो वेग जो भी है किस प्रकार, इसका फॉर्मूला होगा है ना, किस प्रकार होगा, तो इसका क्या हो जाएगा, भी बराबर 2πr/t, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भी बराबर 2πr/t हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि व्यवस्थित वस्तुओं को की वो प्रवृत्ति जो उसे अस्थिर या समान गति से गतिमान रहने के लिए प्रवृत्त करता है क्या कहलाता है? व्यवस्थित वस्तुओं की वो प्रवृत्ति है ना जो उसे अस्थिर या समान गति से गतिमान रहने के लिए प्रवृत्त कहलाता है वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है जड़त्व, है ना, इसका करेक्ट आंसर हो गया जड़त्व। नेक्स्ट है कि गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है? तो गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है? तो ये दर्शाता है वेग और समय के बीच, है ना, वेग और समय के। गति का पहला समीकरण क्या होता है, भी बराबर है ना यू, भी बराबर यू प्लस ए टी। नेक्स्ट है कि गति के दूसरे समीकरण द्वारा किसके बीच संबंध को दर्शाया गया है? तो गति का दूसरा समीकरण क्या है ना, एस बराबर जो डिस्टेंस है बराबर यू टी प्लस हाफ है ना, प्लस फिर समझिए यू टी प्लस हाफ है ना, एस बराबर क्या होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, ये गति का दूसरा समीकरण हो गया। तो वही बोला गति के दूसरे समीकरण द्वारा किसके बीच संबंध को दर्शाया गया है? तो इसमें दर्शाया गया है स्थान और समय के बीच, है ना, स्थान और समय के बीच संबंध को दर्शाया गया है। नेक्स्ट है कि निम्न ग्राफों में से कौन किसी कार की एक समान गति को दर्शाता है? किसी कार की एक समान गति को दर्शाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है कौन सा दर्शाता है? देखिए एक ये हो गया, एक ये है और एक ये है और एक ये है। ठीक है, तो इसका इसमें करेक्ट आंसर क्या है, समान गति से दर्शाता है कौन,
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी का है ना, ए का तो ये ऊपर वाला हो गया और बी है इसका ये बी, ये वाला बी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि जब एक बंदूक से गोली चलाई जाती है तो बंदूक पीछे की ओर धकेलती है, यह उदाहरण न्यूटन के कौन से नियम को दर्शाता है, तो ये न्यूटन का तीसरा नियम दर्शाता है। इसका करेक्ट आंसर है गति का तीसरा नियम। नेक्स्ट है कि एक रॉकेट को 20 मीटर प्रति सेकंड के निरंतर वेग के साथ लंबवत ऊपर की ओर यात्रा करने के लिए प्रक्षेपित किया जाता है 35 सेकंड के बाद, जो 35 सेकंड की यात्रा के बाद रॉकेट में खराब आ जाती है और इसकी ईंधन आपूर्ति बंद हो जाती है, तो रॉकेट फिर एक मुक्त निकाय की तरह यात्रा करता है, इससे इसके द्वारा प्राप्त ऊंचाई है, इसके द्वारा प्राप्त ऊंचाई क्या होगा है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 720 मीटर इसकी डिस्टेंस होगा। ठीक है, तो ये निकलेगा कैसे, फॉर्मूला क्या होता है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस टू जी एस हो जाएगा। ठीक है, तो इससे फॉर्मूला से निकल जाएगा। नेक्स्ट है कि जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय गति उत्पन्न करती है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तित होता है, जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय गति उत्पन्न करती है तो कौन सा परिवर्तित होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए दिशा क्या परिवर्तित होता है। नेक्स्ट है यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य हो तो उसका विस्थापन कितना होगा, तो किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य है तो इसका करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर सी शून्य। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि विस्थापन भी कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी अगर शून्य है तो विस्थापन भी शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी अस्थिर वस्तु के अस्थिर रहने या तो गतिशील वस्तु के उसके गति से गतिशील रहने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो वो क्या कहलाता है, वो जड़त्व कहलाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, जड़त्व कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि 5 सेकंड में किसी वस्तु का वेग 5 मीटर प्रति सेकंड से बढ़कर 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाए तो उसका त्वरण कितना होगा। ठीक है, तो उसका त्वरण कितना है ये बताना है। तो देखिए त्वरण बराबर जो होता है जो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय, तो अंतिम वेग है ना और प्रारंभिक वेग यानी 10 माइनस 5 अब बट्टा में क्या है समय, समय कितना 5 सेकेंड। ठीक है, तो 5, 10 में से 5 या 5 फिर नीचे भी 5 तो 5 से 5 कट गया तो 1 हो गया, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है 1 मीटर प्रति सेकेंड वर्ग। नेक्स्ट है कि एक गेंद ऊपर की ओर फेंकी जाती है, यह 80 मीटर की ऊंचाई तक ऊपर जाती है और अपनी मूल स्थिति में लौट आती है, गति के 7 सेकंड के बाद उसके विस्थापन का परिमाण डेस होगा, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है ना 35 मीटर होगा है ना 35 मीटर होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित उदाहरणों में से किसमें एक एथलीट का त्वरित वेग अधिकतम होता है, तो एक एथलीट का त्वरित वेग अधिकतम होता है तो किसमें ये बताना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर एक, एक अष्टकोणीय पथ पर दौड़ना, एक आयताकार पथ पर दौड़ना, एक षटकोणीय पथ पर दौड़ना या तो एक वृत्ताकार पथ पर दौड़ना, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक वृत्ताकार पथ पर दौड़ना। नेक्स्ट है कि समताप रेखा को पार करने के बाद भी एक धावक भागना जारी क्यों रखता है ना, समापन रेखा को समाप्त जो पार करने के बाद भी एक धावक भागना जारी क्यों रखता है, तो ये क्यों रखता है, ऑप्शन नंबर इसका 3 सही है ना, कि गति का जड़त्व उसे गतिमान बनाए रखता है। नेक्स्ट है यदि एक गेंद को 40 मीटर प्रति सेकंड के वेग के साथ ऊपर की ओर फेंका जाता है तो 6 सेकंड के बाद उसके विस्थापन का परिमाण कितना होगा, यदि स्मॉल जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड प्रति वर्ग सेकंड दिया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर है
60 मीटर होगा ना। यदि किसी एक गेंद को 40 मीटर प्रति सेकंड की वेग के साथ ऊपर की ओर फेंका जाता है तो 6 सेकंड के बाद उसका विस्थापन का परिणाम कितना होगा, तो 90 मीटर होगा, है ना। 90 नहीं, ये कितना है, 60 मीटर, है ना। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 60 मीटर। नेक्स्ट है कि एक कण अस्थिर अवस्था से शुरू होने के बाद 20 सेकंड के लिए अस्थिर त्वरण का अनुभव करता है यदि यह पहले 10 सेकंड में x1 और शेष 10 सेकंड में x2 दूरी तय करती है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, है ना, x2 बराबर 3x1, है ना, x2 बराबर 3x1। नेक्स्ट है, एक वस्तु विराम स्थिति से आरंभ होकर 4 मीटर प्रति वर्ग सेकंड के निरंतर त्वरण से स्थानांतरित होती है तो 8 सेकंड के बाद उसकी गति कितनी होगी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 32 मीटर प्रति सेकंड होगा। नेक्स्ट है, विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। तो विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है, तो वेग कहा जाता है। नेक्स्ट है, यदि ऊपर की ओर फेंकी हुई एक वस्तु का प्रारंभिक वेग 14 मीटर प्रति सेकंड है तो उसे उसके उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में लगा समय कितना होगा, है ना, पहुंचने में कितना समय लगेगा। यदि ऊपर की ओर फेंकी गई एक वस्तु का प्रारंभिक वेग 14 मीटर प्रति सेकंड है तो उसे उसके उच्चतम बिंदु तक पहुंचाने में समय कितना लगेगा। तो इसका करेक्ट आंसर है 1.43 सेकंड लगता है, 1.43 सेकंड लगेगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस राशि का मान स्थान बदलने पर भी परिवर्तित नहीं होता है। तो किस राशि का मान स्थान बदलने पर भी परिवर्तित नहीं होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है द्रव्यमान। द्रव्यमान का जो है, द्रव्यमान क्या है, मान क्या है, स्थान बदलने पर भी ये इसका मान नहीं बदलता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि एक ऊंची छलांग लगाने वाला ऊंची छलांग से पहले कुछ समय तक दौड़ता है ताकि देश का जड़त्व उसे लंबी छलांग लगाने में मदद करे, ठीक है। तो ये समझ गए, है ना, कि एक ऊंची छलांग लगाने वाला ऊंची छलांग से पहले कुछ समय तक दौड़ता है ताकि देश का जड़त्व उसे लंबी छलांग लगाने में मदद करता है। तो इसमें से आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो गति, है ना। एक ऊंची छलांग लगाने वाला ऊंची छलांग से पहले कुछ समय तक दौड़ता है ताकि गति का जड़त्व उसे लंबी छलांग लगाने में मदद करे, ठीक है। गति का जड़त्व उसे लंबी छलांग लेने में मदद करे, ठीक है। तो ये इस तरह से इसका क्या हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर एक इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो दोस्तों, इस तरह से आपका रेलवे ALP टेक्नीशियन और NTPC में फिजिक्स से अब तक पूछा गया सभी प्रश्न होता है समाप्त। अब नेक्स्ट हम लोग केमिस्ट्री का अब तक पूछा गया सभी प्रश्न देखेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें।